में शुक्रवारी साहू मोहल्ला में बुधवार दोपहर 12:30 के करीब पानी की मोटर विवाद के चलते दो भाइयों में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक अभिषेक हरिओम साहू उम्र 40 साल तो वहीं घायल सागर हरिओम साहू 35 साल, पिता हरिओम साहू 70 साल, माँ सरला साहू 66 साल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम महेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार साहू मोहल्ले में रहने वाले ये दोनों भाई पास में ही रहते थे। एक कॉमन कुएं को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई को घातक शस्त्रों से वार कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं बीच बचाव करने आए उसके माता पिता और भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम साहू उम्र 21 साल बताया जा रहा है। तो वहीं उसका साथ देने वालों में दीपांशु साहू, रजनी साहू, करिश्मा साहू पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भावाचे दोन कुटुंब आहेत, कॉमन विहीर आहे, येथील पाण्याच्या मोटरवरून त्यांच्यात काही वाद झाला, त्यातून ही घटना घडलेली आहे। एक व्यक्ती जागेवर शक्यतो मयत झालेला आहे आणि तीन लोक जखमी आहेत। आरोपी मिळून आलेले आहेत घटनास्थळी, अधिक तपास चालू आहे आणि पुढची कारवाई सुरू आहे। अंदाजे 12:30-12 दरम्यानची घटना आहे। एकाच कुटुंबातले दोन तीन लोक आरोपी आहेत, महिला भी असू शकतात, अशी घटना घडली। मृतकाचं नाव आहे अभिषेक शाहू, वय अंदाजे 39 आहे। त्यांचा व्यवसाय मला अजून खात्री नाही, बहुतेक किराणा दुकान होतं। जखमी त्यांच्या कुटुंबातलेच आहेत, अभिषेकचे आई वडील आणि आणखी एक जण आहे भाऊ असेल। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।